धीरे धीरे इंशाल्लाह आपके सामने लाएंगे। इससे पहले हम है ना हमारे टीम के अंदर जो हमारे साथ में जो लोग आए हैं, जिसमें हमारे सबसे पहले हाफिज़ अब्दुल मतीन साहब जो बैठे हैं माशाल्लाह सामने, ये भी एक हाफिज़ है माशाल्लाह और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले हाफिज़ साहब की ज़बानी सुनते हैं कि हाफिज़ साहब ने जब काम शुरू किया तो इनके ज़रिए से लोगों क्या रिज़ल्ट आए, लोगों क्या फ़ायदा हुआ, और इसके ज़रिए से हाफिज़ साहब को क्या फ़ायदा हुआ, हम हाफिज़ अब्दुल मतीन साहब की ज़बानी सुनना चाहेंगे। ठीक है हाफिज़ साहब, आइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। सबसे पहले तो उस रब्बे कायनात का हमें शुक्रगुजार बनना चाहिए कि जिसने हम सब के कुलूब को ईमान के नूर से मुनव्वर किया, और दूसरी चीज़ मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारी छोटी सी दावत पर लब्बैक कहा और हमारा हौसला बुलंद किया। आप यहाँ आकर बैठे, हमें बहुत खुशी हुई। अपने कीमती वक्त में से निकाल, वक्त से मसरूफियत में से निकाल कर आपने हमारा वक्त हमारे लिए वक्त फारिग कर कर यहाँ बैठे हो। रियाश मल्टी ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड, इसके जो प्रोडक्ट आपको नज़र आ रहे सामने है ना, तो सबसे पहले इसका जो है अमृत जूस, माशाल्लाह आज से 8 महीना पहले हाफिज़ आबिद के ज़रिए से हाफिज़ निसार साहब शुरू हुए और हाफिज़ निसार साहब के साथ मैं शुरू हुआ। हम एक ही गांव के रहने वाले हैं शिरुड़ के, और माशाल्लाह हम इमामत मैं 2016 से कर रहा हूं, हाफिज़ साहब 2010 से इमामत कर रहे हैं अपने गांव के अंदर। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है, गांव का माहौल भी अच्छा है, दीनदार है, अल्लाह वालों की आमद रफ्त भी होती है, दावत का काम भी होता है, सारी चीज़ें हैं, मदारिस का भी काम होता है माशाल्लाह। तो अल्लाह ताला ने ये रास्ता भी खोल दिया, ये रास्ता खोला, इसके अंदर दो चीज़ें हैं। इसमें मखलूक को जो पेशेंट है, जो मरीज़ है, अल्लाह ताला उनको सेहतमंद ज़िंदगी भी दे रहा है इसके ज़रिए, और कहीं ना कहीं यानी अल्लाह ने रोज़ी का रास्ता भी एक इमामों के लिए, हफाज़ों के लिए अल्लाह ने रास्ता खोल दिया। तो ये माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। और सबसे पहले तो मैंने अपने घर से इसको शुरू किया, सबसे पहले मेरे दादा जान के लिए इस्तेमाल करवाए कि दादा जान को पैरों में तकलीफ़ रहा, अभी बुज़ुर्ग है, 75 साल 80 साल मेरे ख्याल से उनकी उम्र है, तो माशाल्लाह उनको दिए, उनके घुटनों में दर्द रहता था, तो अभी भी कुर्सी पे बैठ के नमाज़ पढ़ते हैं, लेकिन जो तकलीफ़ उनको घुटनों के अंदर हुआ करती थी वो अल्लाह के शुक्र करम से वो थोड़ी उनकी कम हो गई। दूसरी तीसरी चौथी पाँचवीं बोतल उन्होंने पी। उसके बाद मेरी वालिदा को यहाँ पर जो चर्बी के गाठे थी, चर्बी की गाठे होती है ना, इस तरह की उनको चर्बी की गाठे थी, तो माशाल्लाह दवा शुरू की, अमृत जूस को लेना शुरू किया, तो अल्लाह तबारक व तआला के एहसान व करम से, अल्लाह के फ़ज़ल से तीसरी बोतल में, पहली दूसरी और तीसरी बोतल के अंदर उन गाँठों के अंदर नरम पना आना शुरू हो गया, और उनकी जो गाँठों की साइज़ थी वो छोटी होना शुरू हो गई। तो ये रिज़ल्ट है, तो माशाल्लाह बहुत सारे रिज़ल्ट है। अभी माशाल्लाह हमारा यूट्यूब चैनल है, अभी ये यूट्यूब पे अपलोड होगा वीडियो, बहुत सारे लोग देखते हैं, तो उसके ज़रिए से बहुत सारी जगह हमारी ये प्रोडक्ट पहुँच रहा है। तो माशाल्लाह जो उनको देते हैं वो बहुत खुशी खुशी उसका इज़हार करते हैं कि हाफिज़ साहब हम कई दिनों से, कई सालों से, कई दवा खानों में हमने अपना पैसा ज़ाय किया, हमें वो शिफा नहीं मिली, वो सेहत नहीं मिली, अल्लाह के एहसान और करम से इस प्रोडक्ट के अंदर अल्लाह ताला ने वो शिफा रखी है कि हमारा कम पैसे के अंदर अल्लाह ने बहुत सारा हमें फ़ायदा और इसका रिज़ल्ट दिया। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, जिसमें मशहूर और मारूफ ये है अमृत जूस, और इसी तरीके से एक डायबोजी जूस है, शुगर वाला होता है, तो वो भी शुगर के लिए माशाल्लाह हमारे हाफिज़ आबिद साहब ने भी, उनको भी शुगर थी, वो अपनी रुदात और वो अपनी गुज़िश्त सुनाएंगे आपको इंशाल्लाह यहाँ आकर। तो मैं हाफिज़ आबिद साहब को कहता हूँ कि आके वो सुनाएं कि किस तरह उनको रिज़ल्ट आया। ख़ुद वो शुगर के मरीज़ थे, अभी उनके पैर का भी ऑपरेशन हुआ, रमज़ान से पहले भी बहुत हालात थे, और अल्लाह ताला ने उनके हालात को बेहतर कर दिया।